Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and very very good morning and I welcome you all to the all India speed test discussion of speed test that is 42 number of English सबसे जो सीखे तरीका जो है सबसे सटी यानी कि speed test तो सभी देते हैं देते हो कि नहीं देते हो लेकिन उसको अच्छे से आपको सॉल्व करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग करके करना मतलब जो ज्यादा टाइम लेते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आप यहां हमारे साथ सीखते हैं बट उसके लिए आप सभी को हमें ज्वाइन करना होगा ओनली ऑन मेहनदाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ राइट एवरीबडी यू विल गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम फॉर एवरी क्लास राइट right, एवरीबॉडी तो फटाफट से सभी लोग इस एसटी uh, डिस्कशन uh, को शेयर कर लीजिए एवरीबॉडी और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को एकदम सटीक तरीके से सॉल्व करने का ठीक है आपने में से कई सारे लोग होंगे जो इस एसटी को ऑलरेडी दे चुके होंगे जिन लोगों ने अभी तक एसटी नहीं दी है ठीक है वो अब देख ले कि कैसे हम क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करने वाले हैं राइट right, everybody? तो चलिए स्टार्ट करें एकदम इन गो राइट चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी तक क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोग अगर अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस इंस्ट्रक्शन अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो सो इन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइव वर्ड्स हैव बीन गिवन यू हैव टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेक्ट स्पेलिंग जिसकी है वो ढूंढना है बहुत आसान है चुटकियों में ये सॉल्व हो जाएगा चलिए चुटकियों में सॉल्व करते हैं फर्स्ट इज एफिशियंट एफिशियंट स्पेलिंग क्या करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है नो no एर बोलते ना शी इज वेरी एफिशियंट है उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कितना अच्छे से वो काम कर सकती है अब यहाँ पे लिखा है एपडुकेट जबकि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट स्पेलिंग होती है एबडिकेट राइट बेटरमेंट देख के ही रॉन्ग लग रहा है बेटरमेंट में डबल टी होता है कि नहीं होता है तो यहां पर आपने क्या किया बेटरमेंट में डबल टी लगा करके इसको करेक्ट कर दिया एम्प्लॉयड किसको नहीं पता भैया की यहाँ पे कमी है ई एम पी एल ओ वाई डी आप लोग बैंकिंग हो यार इतनी तो ऐसे आती हैं ठीक फिर अबेस लिखा हुआ है तो अबेस क्या होता है ए बी यहाँ पे ई एस एच लिखा हुआ है जो कि टोटली रॉन्ग है ए डबल बी पहली बात तो होता है और ई डबल एस होता है क्या होता है ए डबल बी और ई डबल एस यहाँ पे हम इसको एबेस को ऐसे यूज करते हैं लेकिन अगर मैं बोलू बाकी सबकी मीनिंग तो आसान है लेकिन अगर, अगर अबेस की मीनिंग आप देखोगे तो अबेस की मीनिंग क्या होगी बताओ कोई बता सकता है कि अबेस की मीनिंग क्या हो जाएगी अगर हम एबेस की मीनिंग देखेंगे तो दिस इज अ वुमेन हु इज हेड ऑफ सम रिलीजियस कम्युनिटी फॉर नंस राइट जो एक हेड होती है रिलीजियस कम्युनिटी में नंस के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं अबेस ठीक है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर वन विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दी वर्ड, राइट? Right? चलो, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है अब देखो, हमें सभी को पता है कि की स्पेलिंग क्या होती है यहां पे लिखा हुआ है रॉन्ग इंडक्शन थोड़ी ना है? तो यहां पे हम रिलेटेड होता है, है ना? एफिकेश्यस, अब एफिकेश्यस की स्पेलिंग क्या है सी ए सी आई ओ के बाद क्या मिस है यू मिस है तो यहां पे हम इसको यू लिख देंगे ठीक है ये हो गया ट ना कैलिबरेट की स्पेलिंग क्या होती है Braid नहीं होती, इट्स टू ई यहां पे रॉन्ग है तो ई e यहां से रिमूव कर देंगे बस कैलिबरेट हो जाएगा tricaris. Now, tricaris की स्पेलिंग तो एकदम करेक्ट है जिसका मतलब क्या होता है जो बहुत ही डिसलॉयल और अनट्रस्ट वर्दी होता है जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते है ना इसको हम क्या बोलते हैं अनट्रस्ट वर्दी ठीक रेलिंग क्वेश Word, हम लोगों ने कई बार वो में पढ़ा हुआ है और रेलिंग की स्पेलिंग क्या होती है आर एल आई एन होती है तो यहाँ पे आपकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो गई ऑप्शन नंबर फोर दैट इज राइट समझ में आया चलो नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है कोवर्ट ना कोवर्ट की स्पेलिंग तो सभी को पता है ये नहीं होती क्योंकि सीओ वीई आर टी -E होता है ना कि ए होता है परसुएड यहाँ पे लिखा है परसेड persuade क्या होता है persuade यानी कि किसी को दुस्वेज करना जसवेट करना ठीक है तो वो अब देखो मैं मीनिंग लिख रही हूँ यहाँ पे इसकी स्पेलिंग कहाँ से करेक्ट होगी इसकी स्पेलिंग हो जाएगी p e r s u a d e bucket ना बुके हम जैसे हम बोलते हैं t यहाँ पे साइलेंट होता है ठीक है तो बुकेट तो स्पेलिंग यहाँ पे एकदम करेक्ट दी हुई है cox जबकि k c o a -E x होता है यहाँ पे a मिसिंग है तो इसको करेक्ट कर लो मैनिफेस्ट नहीं होता है इट्स मैनिफेस्ट ठीक है एफ ई होता है तो यहां पे हम इसको करेक्ट कर लेंगे मैनिफेस्ट तो आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट चलो नेक्स्ट ह्यूमरस क्या ये स्पेलिंग करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है जिसका मतलब होता है दैट इज वेरी मच फनी और दैट मेक्स यू लाफ तो ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है आंसर हो गया जेनरस मतलब जो काइंड होते हैं और ये स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है ए नहीं होना चाहिए था तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेंगे री अब देखो इटिनरेरी का होता है इटिनरी लिख दिया खाली इचीनरेरी इटन ठीक है तो इनई e आर ए आर वाई -E इसकी -E करेक्ट स्पेलिंग होती है सूद में बस एक चीज मिसिंग है दैट इज ई ठीक है पॉपुलस यहाँ पे पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है पिपोलस पता नहीं कैसे क्या लिखा हुआ है तो पॉपुलस की स्पेलिंग क्या होती है पीओ होती है एंड देन पी यू होती है जो कि यहां पे उल्टा कर दिया तो यहां पे इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये हो गई आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर वन करेक्ट चलो नेक्स्ट अब प्रिटर नेचुरल जैसे हम बोलते हैं हम क्या बोलते हैं प्रिटर नेचुरल तो प्रिटर नेचुरल का हमें पता है प्रिटर नेचुरल प्रिटर नहीं होता है इट्स पिटर है ना तो यहां पे क्या होता है पीई आर -e -e ये होती है कि नहीं उसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है नेटरनल है ना है ना तो यहां पे नेचुरल होता है अब आया है है ना की spelling क्या होती जबकि एकदम करेक्ट है जहां पे flowers क्या करते हैं है ना लेकिन यहाँ पे नीचे स्पेलिंग की जो है वो करेक्ट दी हुई है ये रॉन्ग है ये स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है ऊपर वाली रॉन्ग है ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि ए यूज हुआ है इसलिए ये भी रॉन्ग हो गई ठीक एलिनेट एलिनीट वर्ड तो कई बार आपने सुना है जबकि इसकी स्पेलिंग क्या होती है डबल एन नहीं होती है सिंगल एन होता है तो एन यहां से रिमूव कर दो सिंपली एलिनेट डोमिनियन ना डोमिनियन होता है डोमिनियन होता है आई मिसिंग है तो इसको करेक्ट कर दो तो डोमिनियन हो गया तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर राइट एवरीबडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से थर्टी थ्री क्या दिया हुआ है ंग क्वेश्चन एक सेंटेंस को पांच बार लिखा गया है आपको वो सेंटेंस चूज करना, मतलब करना है क्या मार्क करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो चलिए देखते हैं आर स्कूल वु वन दी मैच इफ ओनली वी वुड है आर स्कूल एक में लिखा है वु हैव वन

सेंटेंस है इसमें यूज हुआ है इफ क्लॉज यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है या कंडीशनल सेंटेंस का ये सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में जब हम पास्ट की बात करते हैं इफ क्लॉज में अगर होता है तो इफ के साथ आपका आता है हैड और आपकी आती है वो की थर्ड फॉर्म या हम पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं है ना क्या बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल फिर कॉमा लगाओ सब्जेक्ट तो होता ही है सभी को पता है उसमें लगता है वुड है ना उसमें क्या लगता है वुड है और उसके साथ लगती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रूल अगर याद है इनमें से आप छांट लो कि कौन सा करेक्ट है जब आप देखोगे यहाँ पे वुड लगा हुआ है यहां पे वुड है तो इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पे लिखा है आर स्कूल है इफ ओनली वी वुड हैव इफ ओनली के साथ अगर आप यहाँ पे लगा दोगे इफ ओनली वी वुड ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा ना क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं दिखी नहीं रही तो ये भी एलिमिनेट हो गया आर स्कूल वुड हैव वन मैच इफ ओनली वी हैड मोर है ना तो यहाँ पे वी हैड हाँ अगर लगाओगे तो ये करेक्टली हो जाएगा यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग आर स्कूल हैड वन दी मैच लगा दिया वी हैव लगा दिया अगर वुड हैव होता तो ये करेक्ट हो जाता वुड है कुछ पता ही नहीं है तो यह हटा दिया हमारा तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री जो करेक्टली यहां पे अकॉर्डिंग के टू के, है ठीक है लिखा हुआ है दो बार ठीक हैनी वन हु नीडेड हेल्प एक बात बताओ मतलब बता रहे हैं कि रोहन क्योंकि इतना ज्यादा अमीर नहीं था है ना? तो इसीलिए अ जिसको जरूरत होती थी उसकी जरूरत के काम आता नहीं था एनफ क्या है एनफ ये एक है हाँ या ना हम कहते नहीं है और जब एनफ जो है वो एक एडवोब की तरह यूज होता है तो ऑलवेज ये उस एडजेक्टिव के बाद आता है जिस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है हाँ या ना है ना तो रिटर्न आफ्टर दिच इट जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है तो लिखा सिंस रोहन वॉज एंट रिच एनफ यहाँ पे लिखा रोहन वॉज एंड रिच एनफ बट ही नेवर नॉट एनफ रिच ये तो यही से ही रॉन्ग हो गया रोहन वॉज एंट रिच एन ऑल दो ही स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट तो ये यह तो, यह तो यहाँ पे गलत कंजंक्शन यूज हो गया बिकॉज रोहन लैग नीडेड मनी ये तो सेंटेंस ही अलग कर दिया अगर आप इन दोनों में देखोगे सिंस का मतलब होता है क्योंकि रोहन क्या था रिच नहीं था ही नेवर टर्न अवे एनी वन है ना अब क्योंकि वो रिच नहीं था लेकिन वो उसने कभी भी किसी की हेल्प करने से वो पीछे नहीं हटा तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट यानी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है इसलिए सिंस पे यूज नहीं होगा हम यहाँ पे यूज करेंगे बट तो रोहन वॉज रिच एन बट ही नेवर टर्न अवे एनी वन नीडेड हेल्प जिसको जरूरत थी उसकी उसको उसने क्या करी हेल्प करी राइट right? तो अकॉर्डिंगली अब देखोगे तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर जिसमें कोई भी एरर नहीं है नेक्स्ट आओ

प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है प्लस फॉर या सेंस अकॉर्डिंगली लग जाता है है ना या फॉर या फ्रॉम या सेंस भी बोल सकते हैं और टाइम कौन सा टाइम है ये रूल होता है किसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यस और नो हाँ या ना यही होता है अब यहां पे जब आप देखोगे तो ये करेक्ट कहां दिया हुआ है कि बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर टिल जनवरी नहीं जनवरी तक में नहीं कि जनवरी भी आई नहीं है ना क्योंकि तो बाई जनवरी ही करेक्ट होगा तो यहां से थ्री और फाइव भी रिमूव कर दो बचा हमारे पास फोर्थ और फर्स्ट कौन सा अकॉर्डिंगली करेक्ट जा रहा है कि बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर अंकित विल भी नहीं होगा उसको इतना समय हो जाएगा अभी हुआ नहीं है विल भी मतलब होगा नहीं ये काम अभी होने वाला है अभी हुआ नहीं है तो यहां पे विल बी तो रॉन्ग हो जाएगा पैसे फॉर्म में आ जाता है क्योंकि तो अंकित विल हैव बीन वर्किंग इन दिस एंटरप्राइज फॉर इयर्स उसको दस साल हो जाएंगे यहाँ पे काम करते करते अभी वो काम छोड़ के जा नहीं रहा है तो यहाँ पे इसको जो इंप्रूव करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर फोर एज द करेक्ट एंसर ठीक है चलो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है थर्टी फोर और थर्टी फाइव क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस विद फोर हाईलाइटेड वर्ड्स आपको एक सेंटेंस जो है वो चार हाईलाइटेड वर्ड दिए हुए हैं जो अपनी प्लेस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते आपको वो पेयर ऑफ वर्ड चूज करने हैं जो इंटरचेंजमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है वहां पे यानी कि ये किसके क्वेश्चन है वर्ल्ड रिप्लेसमेंट और वर्ल्ड स्वैप भी बोल सकते हो या वर्ल्ड रीअरेंजमेंट भी हम इसको बोलते हैं अलग अलग तरीके से ठीक है चलो देखो यहाँ पे क्या है द अवेयरनेस ऑफ दिस सेमिनार सेमिनार तो नहीं होगा अवेयर तो कराना चाह रहे हो है ना किसी को क्या कराना चाह रहे हो एक आपका एम क्या है मोटो क्या है, है ना यू दिस इज योर एम और मोटो मोटो क्या है अवेयर aware, अवेयरनेस फैलाना मतलब आप लोगों को जागरूक करना तो यहाँ पे वो आपका एम और मोटो अगर आना चाहें तो वो यहां पे आएगा ना द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑफ द सेमिनार वॉज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज तो यहां पे क्या बढ़ानी है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ए सी की जगह आ जाएगा और सी ए की जगह चला जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा इंटरचेंजमेंट हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो गया अब इसको आप करेक्टली बोल सकते हो कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार वॉज टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दी वॉट कन, uh, आपके करप्शन क्योंकि आप यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग ना तो यहाँ पे एम और मोटो तो आना चाहिए था तो ए और सी इंटरचेंज हो जाएगा करेक्ट इजी चलो नेक्स्ट द रेनाउंड हिमसेल्फ अ टीचर पेंटर एंड मेनी रिच पीपुल बाय हिज पेंटिंग्स बहुत सारे लोग उसकी पेंटिंग खरीदते हैं तो ये तो सही है लेकिन ये बताओ रिनाउंड मतलब दैट इज वेरी फेमस तो वेरी फेमस और ये अब ये ये तो आपका कहीं ना कहीं वर्ब हो गया जो कि थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा और टीचर पेंटर कैसे हो सकता है टीचर भी है पेंटर भी है दोनों चीजें कैसे हो सकती है एक साथ तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा सो द द टीचर जो टीचर था वो खुद एक रेनाउंड क्या था पेंटर था बहुत ही फेमस पेंटर था तो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो ए और बी आपस में इंटरचेंजमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं तो यहाँ पे ए और बी अप, अपने अपनी जगह बदल लेंगे और ये कनेक्शन एकदम बढ़िया हो जाएगा कि द टीचर वाज हिमसेल्फ अrenowned painter एंड many rich people buy his paintings accordingly ये क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर थ्री एज दी करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में चलते हैं 36 टू 40 इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबरड दीस नंबर्स आर गिवन बिलो द पैसेज एंड अगेज एज

जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, विच इज पायलटिंग दी स्पुटनिक वी वैक्सीन जो एक वैक्सीन आई थी स्पुटनिक की ना मतलब जो बूस्टर के काम करती थी उन्होंने एक अनाउंस करी पार्टनरशिप विद दायद्राज डॉक्टर थे फेस का ट्रायल किया गया। लोकेशन जो ट्रायल से वहां पे द कैंडिडेट वैक्सीन डेवलप्ड बाई रशियंस ना से अगर हम यहाँ पे देखें तो वो जो वैक्सीन थी वो कैसी प्रूव होनी चाहिए एफिकेशियस व्हाट इज दिस एफिकेशियस मीन अगर हम एफिकेशियस की बात करते हैं इट मींस दैट इज प्रोड्यूसिंग दी डिजायर्ड रिजल्ट है ना जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले कि आप एक पॉजिटिव रिजल्ट की तो बात कर रहे हैं दूड सप्लाई 100 मिलियन डोजेस अपनी इस पार्टनरशिप से जो रशियन ड्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड है वो 100 मिलियन डोजेस प्रोवाइड करेगा थ्रू इट्स पार्टनरशिप विद जो वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से पार्टनरशिप की उसने

एडिनो वायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म मतलब ये जो दो दो वैक्सीन लेनी पड़ रही थी उसका पूरा का पूरा एक बूस्टर अगर कोई ले लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया जो रशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड है उसके थ्रू जो वैक्सीन आई उसकी जो पार्टनरशिप हुई है ना हैदराबाद बेस्ड कंपनी से जो कि डॉक्टर रेड्डीज की लेबोरेटरी है उससे रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है सिवर वैक्सीन इन डेवलपमेंट मतलब बहुत सारी और वैक्सीन है डेवलपमेंट uh, so किया जा रहा था सबको लेकिन अभी उनका कोई प्रूफ नहीं है ना ही उनको कमर्शियली अप्रूवल मिला है सो so, अगर हम देखें जो रिजल्ट के वैक्सीन के दैट पब्लिश इन दी लैंड सेट होगा उसमें जो पब्लिश हुआ आर्टिकल जो पब्लिश हुआ उसमें ये सजेशन था द so uh, मतलब भी, भी दे रही है अगर नेक्स्ट स्टेज और ट्रायल में अगर हमें करना हो तो इट्स गुड एनफ कॉन्ट्रोवर्शियली अगर देखा जाए कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत स्पुटनिक फाइव हैज बीन ग्रांटेड प्री अप्रूवल अब उसको पहले से ही अप्रूवल मिल गया था बाय रेगुलेटर्स इवन बिफोर फेज थ्री ट्रायल से पहले ही उसको अप्रूवल मिल चुका था सो देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर था ग्लोबली ऑन रेगुलेटरी टू गेट अ वैक्सीन आउट एट अर्लिएस्ट मतलब जल्द से जल्द उनको वैक्सीन लेनी चाहिए उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर हो गया दस इट इज इनकमेंट ऑन अ कंपनी कंडक्टिंग सच ट्रायल्स टू बी पर्टिकुलरली विजिलेंट दैट ऑल गुड प्रैक्टिस एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड मतलब नेसेसरी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा इट इज वेल एक्नॉलेज दैट टू थर्ड ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रोवाइडेड ग्लोबली आर मेड इन इंडिया मतलब दो तिहाई जितनी भी वैक्सीन बनाई गई थी ग्लोबली वो कहाँ पे बनी है इन इंडिया द सेरम इंस्टीट्यूट हैज कमिटेड जो सेरम इंस्टीट्यूट उसने कमिट किया टू प्रोड्यूसिंग हंड्रेड मिलियन डोजेज ऑफ इट्स वैक्सीन फॉर इंडिया भारत के लिए 100 मिलियन डोजेस बनाएगी एंड अदर लो एंड मॉडल इनकम कंट्रीज जो लो और मिडिल इनकम नॉट मॉडल मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके लिए भी एट लेस देन डॉलर थ्री पर डोज एक डोज का थ्री डॉलर से भी कम रुपए में और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हाफ ऑफ दीज आर फॉर इंडिया और इनमें से हाफ कितनी थी इन भारत के लिए थी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो देयर सीम्स टू बी अ गारंटी फॉर ओनली अबाउट वन मिलियन डोजेस फॉर इंडिया

हुई, कितने डोजेस बने ये सारी बातें हो रही है और कुछ नहीं है इसमें ठीक है तो चलो फर्स्ट ब्लैंक में चलते हैं यहाँ पे कि क्या आना चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी पी में क्या आएगा यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी ड प्रोवाइडेड या वो वर तो जब आप फर्स्ट ब्लैंक में जाओगे पी में क्या लिखा है द कैंडिडेट वैक्सीन तो हैड द कैंडिडेट वैक्सीन वर देंडिडेट कैंडिडेट वैक्सीन या प्रोवाइडेड ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपका प्रोवाइडेड या वर्क क्या होगा आप बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर एक इमेजिनरी सेंटेंस है जब इमेजिनरी सेंटेंस होता है तो आप लॉफ इन्वर्जन को यूज करते हो यानी कि वर्ब पहले लिखते हो तो प्रोवाइडेड तो होगा नहीं और हैड आना नहीं चाहिए तो क्या आएगा वर एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाएगा तो मार्क करेंगे ओनली सी नेक्स्ट इमेज एक्सेसिवर रिस्ट्रिक्टेड अब यहां पे अगर हम देखेंगे क्यू वाले ब्लैंक में क्या आएगा सो देयर इज पॉलिटिकल प्रेशर तो इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर है मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है कि नहीं है है ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इमेंस एक्सेसिव या रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड तो हो नहीं सकता रेस्ट्रिक्टेड मतलब यू आर अंडर कंट्रोल और अगर कोई चीज ज्यादा है इंटेंस है दैट इज मोर देन नेसेसरी पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा होता है तो मतलब जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा प्रेशर है तो इमेंस भी, भी हो सकता है और एक्सेसिव भी हो सकता है तो दोनों ही सेम मीनिंग दे रहे हैं तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे बोथ ए एंड बी एज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट देख रहे हो मीनिंग बहुत आसान है मतलब बहुत अच्छे से इनमें फिट हो जा रहे हैं अब आर में क्या आएगा तो चलो पहले आर पढ़ लेते हैं कि एक बार आर में क्या दिया हुआ है आर में दिया हुआ है कि यहां से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा दस इट इज ए कम्बेंट ऑन कंपनी कंडक्टिंग सच ट्रायल्स टू बी पर्टिकुलरली विजिलेंट वो ट्रायल्स दे शुड बी विजिलेंट दैट इज ऑन चेक प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड मतलब नेसेसरी प्रोटोकॉल्स को एकदम अच्छे से फॉलो करना होगा तो स्क्रपले इम्पेचुअसली या मेटिकलसली। अगर हम स्क्रपले की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है दैट इज इन अ वेरी केयरफुल मैनर इन अ वेरी केयरफुल मैनर और अगर हम एम्पेच की बात करते हैं तो एम्पेचर्स क्या होता है उस, उसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं नहीं जो और अगर हम प्रिकलियसली अगर हम देखें तो एक वर्ड इम्पेटस जो होता है वो एक हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेटिकुलस भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका ए और सी दोनों आ सकते हैं तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर फोर एज करेक्ट आंसर अब क्यू ब्लैंक में देखो क्या आ, 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 एस ब्लैंक में क्या लिखा हुआ है गारंटी फॉर ओनली 150 मिलियन डोजेस फॉर इंडिया कंट्री की पॉपुलेशन को क्या दे रहा है मिनिस्कल, सिग्निफिकेंट या मिनिएचर तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई चीज स्मॉल फॉर्म में अगर देखा जाए जो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज मिनिस्किल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो मिनिस्कल और मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल दोनों का ही मीनिंग सेम होता है सिग्निफिकेंट क्या है इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट जो कि इससे आउट ऑफ है तो मार्क कर देंगे आंसर आंसर ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट राइट चलिए में चलते हैं इम्यूनिटी की बात की गई तो फोर्टी वाला ब्लैंक एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि इन फेज टू ट्रायल्स नाउ अगर फेज टू ट्रायल्स की बात करें बोथ आर बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दोनों को टेस्ट किया गया टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस तो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स की जब बात करेंगे तो सैटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स में क्या आएगा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडीज तो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं है ना तो इम्यूनिटी की बात तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है दैट हाउ योर बॉडी रिकग्नाइजेस एंड डिफेंस इट सेल्फ अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरसेस तो यहां पे अगर हम देखें एक कंपाउंड नाउन के हिसाब से तो एडजेक्टिव सेटिसफैक्ट्री है

ब्लैंक्स का, राइट right? तो चलो देखते हैं और इसके अगेंस्ट आपको फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर की कैपेबिलिटी है कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकता है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन रीजनेबल टाइम ये भी है भाई जब मैन्युफैक्चर करेगा तो उसके स्टोरेज का भी तो ध्यान रखेगा बट द वैक्सी मस्ट गो थ्रू देयर लॉन्ग जस्टेशन टू इंश्योर सेफ्टी लेकिन वैक्सीन को किसके द्वारा गुजरना पड़ेगा दैट इज वॉट कि आगे जाकर के कि इसकी सेफ्टी इंश्योर हो सके तो उनके एक अनवॉइडेबल लॉन्ग जस्टेशन के थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा तो अन अवॉयडेबल हमें पता है कि आ सकता है न, यहां पे बताओ आ सकता है लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए एक एडवर्ड ठीक है तो अनवॉयडेबली अगर होता तो हम इसको कर सकते हैं यानी कि दैट इज सर्टेन टू हैपन राइट तो इनएविटेबली हम कह सकते हैं दे आर इन एविटेबली लॉन्ग जस्टेशन क्योंकि लॉन्ग क्या है एक आपका एडजेक्टिव है और इसको एक एडवर्ड भी मॉडिफाई कर सकता है तो ये करेक्ट है ये आपका अगर अनएवेबली होता तो यहां आ जाता है लेकिन ये अन अवॉइडेबल है इसलिए ये नहीं आएगा प्रेस्क्राइब मतलब क्या होता है किसी की चीज का आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला होता है ठीक है तो यहां पे उसको हम यूज करते हैं इसलिए सी भी नहीं होगा तो सिर्फ ओनली ए जो है यहां पे करेक्टली फिल हो सकता है करेक्ट एवरीबॉडी चलो नेक्स्ट द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो एनबीए है हैज टोल्ड सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया टू मेक इट्स कोर्ट्स ऑफ एथिक्स अगेंस्ट इट्सिंग मेलिशियस बायस मेलिशियस मतलब दैट इज ऑफ डूइंग जो चीजें होती हैं जो बायसनेस है एंड कंटेंट एप्लीकेबल टू ऑल टीवी न्यूज चैनल मतलब यहाँ पे एक ऐसे कंटेंट एप्लीकेबल बता रहे हैं जो है, है, रेग्रेसिव है डेरोगेटरी है प्रोग्रेसिव देखो प्रोग्रेसिव तो नहीं हो सकता ठीक है प्रोग्रेसिव तो नहीं हो सकता कोई भी ऐसा मेलिशियस कंटेंट कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता ये तो पता है लेकिन अगर रेग्रेसिव बोले तो हो सकता है regressive मतलब दैट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब आइडियाज और सिस्टम्स आर ओल्ड फैशन एंड टू एनकरेज चेंज और डेवलपमेंट वो हम बोल सकते हैं डेरोगेटरी क्या होता है डेरोगेटरी एक क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है क्या होता है दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल ठीक

वर्चुअस कोड और लाइसेंशियस कोड तो एथिकल और वर्चुअस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता तो है जो मॉरल होते हैं जो मॉरल कोड्स होते हैं उसके लिए बात करता है है ना जो राइटियस जिसमें जो राइटियस कोड होते हैं जिनका अधिकार होता है उसके लिए हम बोलते हैं और अगर हम यहाँ पे बोले लाइसेंशियस तो लाइसेंशियस से ही आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि लाइसेंस से रिलेटेड है हाँ या ना हा या ना अगर लाइसेंशियस बोले हैं तो दैट इज अनप्रिंसिपल्ड है ना दैट इज दिनिपल्ड मैटर्स की बात करता है तो ये तो यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एथिकल और वर्चुअस कोड की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर वुड बी बी करेक्ट आंसर टू फिल्ड ओवर हियर अकॉर्डिंगलीप्शन वन ऑफ सेक्शन थ्री एक जो सबसे क्लॉज सी है उसका सबसेक्शन वन है और सेक्शन थ्री है टू इंक्लूड पब्लिक सर्वेंट आल्सो विद इन इट्स मतलब पब्लिक सर्वेंट को भी अपने में इंक्लूड करना होगा अपने जो अपनी जो बाउंड्रीज है उसकी बात करें तो प्रोवाइड दैट नो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बिल का ऐसा कहना था तो एम्बिट हॉरिजन या एक्सटेंट यहां पे क्या होगा एम्बिट टॉक्स अबाउट दैट इज द स्कोप और यू कैन से इट एक्सटेंट ऑल्सो तो ये दोनों तो सेम हो गए और अगर हम हॉरिजन की बात करेंगे तो दिस इज एन एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है ना या नॉलेज या

तो देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर फाइव है ना विद इन इट्स एक्सटेंट है ना या विद इन इट्स ऑरिजन तो एक्सटेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा मीनिंग एम्बिट करेक्टली बैठ जाएगा इसलिए ए और बी हो जाएगा नेक्स्ट

और अगर हम फिसाइल की बात करेंगे तो फिसाइल अगर हम देखें तो फेसाइल का मीन क्या होता है क्या ये ऑनरस ही होता है अगर हम फिसाइल का मीन देखेंगे तो फिसाइल का मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज यूज अबाउट यू नो अ कमिटमेंट एक कमिटमेंट को लेकर के बोलता है ना चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो एक केयरफुली थॉट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे तो अगर हम देखें तो ये भी इसी तरीके से हो जाता है और एक्सेसिव मतलब दैट इज मोर देन नेसेसरी तो ये तो एकदम अलग ही हो गया इन मीनिंग से। तो माँ क्या करेंगे? A और B जो यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाएंगे दोनों ही वर्ड। Onus conditions या फैसाइल conditions, you can use it both as well, right? Next question. Now each of the following questions four sentences have been given which may or may not be grammatically correct. आपको four sentences दिए हुए हैं जो grammatically correct हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं आपको इन करेक्ट सेंटेंस जो है उसमें से चूज करना है एंड आंसर अकॉर्डिंगली और अपना आंसर मार्क करना है और अगर सभी सेंटेंस करेक्ट है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा Five. Right? चल, देखते हैं। यानी कि एरर डिटेक्शन आपको मार्क करना है एक तरीके से देखा ही टू इंफिनेटिव यूज हुआ है एकदम करेक्ट है ठीक रोहन लिव इन कोलकाता फॉर फाइव इयर्स पांच साल से रह रहा है जब फॉर फाइव इयर्स टाइम मेंशन कर दिया गया तो लिव तो वैसे ही नहीं आएगा प्रेजेंट फॉर्म में नहीं आएगा यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाता है पांच साल से रह रहा है मतलब पहले से रह रहा है ना तो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर दोगे क्योंकि तब से रह रहा है और अभी भी रह रहा है है ना तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा हैड लग जाएगा बीन और लग जाएगी लिविंग कि रोहन हैड बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर फाइव इयर्स तो इसमें तो एरर हो गई सुरेश ऑलवेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करेक्ट कोई एरर नहीं रमेश हैड लेफ्ट हिज हिज हाउस बिफोर मदर कॉल्ड ऑन हिम ये भी करेक्ट है तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर टू एज द करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट शिप्रा वॉच टेलीविजन व्हेन हर फ्रेंड केम इन अब देखो दो काम हो रहे हैं एक साथ जब उसका फ्रेंड आया तो शिप्रा क्या कर रही थी टेलीविजन देख रही थी तो यहां पे क्या हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस क्यों क्योंकि वो टेलीविजन देख रही थी जब उसका फ्रेंड आया केम इन तो पास्ट तो है ही तो ऑब्वियसली यहां पे वॉच नहीं होगा खाली यहां पे क्या हो जाएगा वॉज वॉचिंग टेलीविजन सिंपली देख के पता चल जाएगा तो फर्स्ट में ही अगर है तो बाकी तो ऑब्वियसली बातें करेक्ट होंगे मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट आई हैड डिनर लास्ट नाइट एट नाइन ओ क्लॉक मतलब उन्होंने डिनर किया लास्ट लाइट में करेक्ट है पास की बात कर रहे हैं द चेयरमैन कमेंट्स ऑन दी प्रिपरेशन ऑफ दी टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली प्रेज एक बात बताओ चेयरमैन के जो चेयरमैन है जो उनके कमेंट्स थे किस पे ऑन दी प्रिपरेशन ऑफ दी टेस्ट मैचेस फॉर दी फॉर दिस टूर अब देखो कि कमेंट्स क्या है प्लूरल है कि नहीं है तो जब ये कमेंट प्लूरल है तो यहाँ पे हैज कैसे लग जाएगा सिंगुलर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था हैव प्लूरल फॉर्म यूज करना चाहिए था हैव बीन क्योंकि चेयरमैन कमेंट्स की कमेंट्स की बात करें सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा तो यहां पे हमारा क्या होगा हैव तो इसी में एरर है तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर टू एज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फोर क्विंटल्स ऑफ वुड एन कोल्ड हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट करेक्ट फोर क्विंटल्स है है ना फोर क्विंटल्स के साथ न्यूमरल है इसलिए ये सिंगुलर ही आता है करेक्ट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल दी क्वार्टर्स वॉज रिसीव फाइनेंशियल हेल्प सब्जेक्ट आपका सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर करेक्टर ऑफ इंग्लिश आर अवेलेबल इन दाइब्रेरी नंबर ऑफ अवेलेबल बुक्स है करेक्ट है अ नंबर क्योंकि लिखा है इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर बुक्स की बात की एकदम करेक्ट है द बैंक एसोसिएशन बैंकर्स एसोसिएशन है मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड उनकी डिमांड की बात कर रहे हैं जब उनकी डिमांड की बात कर रहे हैं तो किसकी है एसोसिएशन यूज हुआ है किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्सन के लिए आप यूज करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे हम एसोसिएशन देखेंगे बैंकर के एसोसिएशन क्या है एक कलेक्टिव नाउन है बेटा क्या है एक कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहां पर आपका आएगा एट्स ठीक है तो फोर्थ में ये अगर है तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर फोर नाउ लास्ट क्वेश्चन द किंग किंगदित्य लव सब्जेक्ट एंड लॉट फॉर वेलफेयर ऑफ देम एक बात बताओ लव्ड हिज सब्जेक्ट किंग विक्रमादित्य जो है वो अपने सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं his subjects होगा या सब्जेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट का मतलब हो गया दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ किंगडम राज की बात कर रहे हैं अपने किंगडम को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है तो यहाँ पे अगर जनरल भी देखें तो uh, किस लिए बात हो रही है तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर इंग्लिश मैथ की बात नहीं करें किंगडम की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट तो हेंस आपका एयर किसमें हो गया फर्स्ट पार्ट में तो आंसर भी आपने मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर वन एज दी करेक्ट आंसर सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन एस एंड योर time will be consumed accordingly till then thank you you next week subscribe now and press the bell icon never miss an update